हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का ये बेहद खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले मैचिंग कपड़े में और एक पट्टी बनाई हुई है आधा इंच चौड़ी, और उसके बाद दोस्तों कुर्ती के ही कलर की सीधे कपड़े में हमने ये अपनी दो पट्टियाँ बनाई हुई हैं आधा आधा इंच चौड़ी। इसके बाद दोस्तों हमने एक लेस ली है जो कि हमारे नेक को और भी ज़्यादा खूबसूरत सा लुक दे देगी। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर एक बुकरम भी ली है जिस पर हम अपना नेक कट करेंगे। तो नेक कट करने के लिए हमने जो अपनी बुकरम ली है इसका साइज़ है दोस्तों 12 इंच चौड़ाई और लंबाई है 10 इंच। अब हम इस पर सबसे पहले अपने नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों हमारे नेक की जो ब्रॉडनेस है वो है 6 इंच। 6 इंच का हाफ करेंगे होगा 3 इंच। यहाँ पर हम अपना 3 इंच पर मार्क लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे नेक की जो लंबाई है वो है 7 इंच। अब हम इसमें राउंड वी नेक का एक शेप लगाएंगे, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों इसकी बाहर की तरफ आपको चौड़ाई रखनी है डेढ़ डेढ़ इंच, मतलब कि 1.5। और दोस्तों आपको अगर इसी तरह के और भी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर एक बार विजिट जरूर करें, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइन एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिज़ाइन भी देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद ये निशान हमने सीधा कर लिया है, आधा इंच का निशान हम बाहर की तरफ और लगाएंगे। अब हम अपने निशानों पर कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले बाहर से शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारा एक बड़ा वाला वी शेप कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम यहां पर इसकी भी कटिंग करेंगे। तो देखिए इसकी शेप जो है वो कुछ इस प्रकार से आ गई है। अब इसके बाद दोस्तों हम इसके बराबर में अपना बड़ा वाला नेक भी कुछ इस प्रकार से रखेंगे, ये देखिए, ये हमने बिल्कुल मिलाकर रख लिया है। अब आपको इसके बाद इसमें क्या करना है, आपको ये देखिए जो वी शेप का हमारा ये सेंटर स्टेम पे मिला हुआ रखा हुआ है, अब आपको इसी तरीके से सेट करने के बाद में जो ये आपका शेप मांग रही है, मतलब कि इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये सीधा आने के लिए इस तरीके से शेप मांग रहा है, तो इसको हम बिल्कुल सीधा इस तरीके से कट कर देंगे। ये हम छोटे वाले नेक को दोस्तों इस तरीके से कट करेंगे, ये हमने कट कर लिया है। और अब इसके बाद हम अपने बड़े वाले नेक को कुर्ती वाले कपड़े पर चिपका कर सेम नॉर्मल तरीके से बना लेंगे जैसे नेक बनता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने बड़े वाले नेक को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से तैयार कर लिया है। और अब इसके बाद दोस्तों हम लेंगे अपना छोटा वाला वी शेप, ये देखिए, इसमें से हम अपना ये वाला इधर वाला पैटर्न जो है फेंक देंगे और ये वाले पैटर्न को एक पेपर पर रख के मार्किंग करेंगे। इस पेपर पर रखेंगे इस तरीके से, ना कि इस तरीके से, इस तरीके से रखने के बाद में मार्किंग सेम तरीके से कर लेंगे। तो ये हमने अपनी मार्किंग कर ली है और इस मार्किंग से एक एक पैर का मार्जिन देते हुए, मतलब कि हाफ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए पेपर की कटिंग कर लेंगे। और इसके बाद इस कपड़े को हम कुर्ती के इस पैटर्न को हम कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपका लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने पेपर को भी काट लिया है और अपने ये वाले पैटर्न को कपड़े पर चिपका लिया है। अब सबसे पहले हम अपने ये वाले पैटर्न को तैयार करेंगे। तो इस पैटर्न को तैयार करने के लिए हम एक कपड़ा और लेंगे, ये देखिए, और इस कपड़े को नीचे रख के पैटर्न को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में अंदर की तरफ से गोलाई के बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए। और दोस्तों कपड़ा काटने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपने छोटे छोटे नोचिस भी लगा दिए हैं। अब हम अपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे यहाँ की तरफ, ये देखिए, और फोल्ड करने के बाद में आपका जो पैटर्न है वो सीधी तरफ कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। पहले हम इस पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेते हैं। और प्रेस लगाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ये जो बाहर वाली मार्जिन है इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर मार्क लगाना है अपनी चौड़ाई का।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने पैटर्न पर जो है मार्क इस तरीके से लगा लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम लेंगे अपनी लेस, ये वाली। इस लेस को हम इस तरीके से अपने पैटर्न पर सेट करेंगे। देखिए हमारी अंदर वाली गोलाई है, अंदर वाली गोलाई पे मोतियों को अंदर की तरफ करते हुए, बाहर की तरफ, इधर को सॉरी, इस तरीके से सेट करेंगे। और सेट करने के बाद में साथ ही दोस्तों हम इसके ऊपर अपनी एक पट्टी भी इस तरीके से रखते जाएंगे। तो ये चीज़ अटैच करने के लिए दोस्तों आपको अपनी मशीन में सिंगल बूट लगा लेना होगा। अब हम इसको अटैच करते हैं, देखिए इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी लैस और पट्टी दोनों एक साथ अटैच हो रही हैं। इसी तरीके से आपको भी करनी है। अब इसके बाद दोस्तों आपको इसकी बाहर वाली दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा ये वाला पैटर्न कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम अपना पेपर वाला पैटर्न को तैयार करेंगे। तो इसको तैयार करने के लिए दोस्तों हमने जो ये अपनी पट्टी बनाई थी कुर्ती के ही कलर की, इनको हम लगभग 2.5-2.5 इंच लंबा कट कर लेंगे। और इनको बताएंगे किस तरीके से दोस्तों सेट करेंगे। इनको सेट करने के लिए दोस्तों आपको इस तरीके से अपने पेपर पे यहाँ से रखना होगा, ये देखिए। और रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल मिलाकर इसे रखते जाएंगे। ऐसे करके आप पूरी गोलाई पर इनको सेट करेंगे। तो इनको सेट करने के लिए जो आपने ये मार्किंग की है, इस मार्किंग से बाहर की तरफ आपको ये सिलाई लगानी होगी। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हम अपने पूरे पैटर्न पर ये पट्टियाँ फिट कर लेंगे। और इन पट्टियों के चारों तरफ दोस्तों सिलाई लगेगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी पट्टियाँ जो है पैटर्न पे अटैच कर ली हैं। और अब इसके बाद दोस्तों हम सिलाई से मिलाकर एक्स्ट्रा पट्टियों को बिल्कुल कट कर देंगे, थोड़ा छोड़ते हुए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद दोस्तों आपको इन दोनों साइडों पर इंटरलॉक कर लेनी है। और इंटरलॉक करने के बाद में अंदर वाली साइड पर जो अंदर की गोलाई है, इस पर आपको इस तरीके से अपनी ये पट्टी लेनी है। और पट्टी लेने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर सिलाई से अटैच कर देनी है, दोनों तरफ सिलाई लगाते हुए। तो दोस्तों पट्टी अटैच करने के बाद में अब आपको अपने एक दूसरे से पैटर्न को सेट करना है। किस तरीके से करेंगे देखिए, पहले हम अपने इस पैटर्न को नीचे रखेंगे, उसके बाद ये वाले पैटर्न को ऊपर रखेंगे, ऐसे यहाँ पर रखने के बाद में ऊपर की तरफ हम अपनी ब्रॉडनेस नाप लेंगे 6 इंच, ये देखिए। अब हम यहाँ पर अपनी सिलाई मारकर इसको अटैच कर देंगे ताकि हमारा पैटर्न इधर उधर हिले ना। तो ये हमारा पैटर्न अटैच हो गया है। अब हम इस पैटर्न को नेक में अटैच करेंगे। पैटर्न को हम अपने नेक में ऐसे अटैच करेंगे मार्क को छुपाते हुए, ये देखिए, और कन्नी की सिलाई लगाते हुए पूरे पैटर्न को अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो इस तरीके से अटैच हो चुका है। और अब इस नेक को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर कुछ यूज़ करेंगे इस प्रकार की लेस को। इस तरीके से इस सिलाई को छुपाते हुए हम अपनी लेस यहाँ पर फिट कर देंगे। तो दोस्तों, लेस लगाने के बाद में हमने जो ये अपनी पट्टियाँ लगाई थी, इन पट्टियों में एक बहुत ही खूबसूरत सा जाल बनाकर हम आपको दिखाएंगे। तो कैसे जाल बनाया जाएगा दोस्तों, देखिए। सबसे पहले तो हम अपनी एक पट्टी लेंगे ऊपर वाली, ये वाली, इसमें से हम अपनी पट्टी के बीच सेंटर में इस तरीके से सुई को निकालेंगे। सुई में हमने दोस्तों धागा डाला हुआ है, डबल करके 4 प्रत्यय गांठ लगा ली है। अब इस तरीके से धागा निकालने के बाद हम इस किनारी को, ये देखिए दूसरी वाली जो किनारी है, इस किनारी को और अगली वाली किनारी को ये इस तरीके से धागे डालकर खींच लेंगे। तो देखिए हमारी पट्टी जो है वो कुछ इस तरीके से इकट्ठी हो जाएगी। और इकट्ठी होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम इस फिर से सुई को दोनों कपड़ों में एक साथ घुमा देंगे, देखिए। और घुमाने के बाद इस तरीके से यहाँ पर फंदा डाल देंगे जिससे कि यहाँ पर हमारी जो गांठ है वो दोबारा खुले ना। मजबूत करके हमने यहाँ पर अपना धागा तोड़ लिया है।
और देखिए इस तरीके से हमारा ये जाल बन गया है। ऐसे ही तरीके से हम अपनी पूरी पट्टियों में जाल बनाकर तैयार कर लेंगे धागे को बारी बारी तोड़ते हुए। तो देखिए दोस्तों, जाल बनाने के साथ साथ हमने यहाँ पर नीचे की तरफ से अपना पेपर भी निकाल दिया है, और पेपर निकालने के बाद इसी के साथ हमारा आज का ये डिज़ाइन हुआ कंप्लीट। आपको हमारा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट www.rooffashionpoint.com पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइन एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।